Hello, good morning. Hello, good morning, India. Monday to Friday, back to back classes, live from studio. आज ही सब्सक्राइब करें Wi-Fi Study Channel को. Hello, good. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग. स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी में. तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, डेली सुबह 5 बजे संडे टू संडे हमेशा अपनी सुबह 5 बजे की इंपॉर्टेंट क्लास होती है, जिसके अंदर हम डिस्कस करते हैं कई सारे इंपॉर्टेंट सवाल जो कि आपके आने वाले देश के सभी पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ, उसके बाद चलेंगे बाकी महत्वपूर्ण सवालों की तरफ. देखते हैं पहला सवाल क्या है. आपका कल का पहला सवाल था, यानी कि लास्ट सवाल था, क्वेश्चन ऑफ द डे था, विश्व पुस्तक दिवस 2019 हर साल डैश को मनाया जाता है. तो विश्व पुस्तक दिवस के बारे में मैंने आपसे पूछा था कि ये किस तारीख को मनाया जाता है. तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि यूनेस्को के द्वारा इसको 23 अप्रैल को पूरी दुनिया भर में मनाया जाता है, और कॉपीराइट डे भी इसको कहते हैं, समझ गए. तो अगर आपसे बुक डे पूछे या कॉपीराइट डे पूछे, तो दोनों जो है 23 अप्रैल ही आपका सही आंसर होगा. आज का पहला सवाल, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर निम्नलिखित में से कौन सा देश नए शहर का नाम रखेगा. यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर भी क्या रखा जा रहा है, एक नए शहर का नाम रखा जा रहा है, और ऐसा करने वाला उसका मित्र होगा, और सबसे बड़ा मित्र कौन है, जो कि है इजराइल. तो बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा. और गोलन हाइट जो एरिया है, जहां पे यूएस ने बोला था कि ये एरिया इजराइल का है, उस जगह पे डोनाल्ड ट्रंप के नाम पे टाउन है जो कि बसाया जाएगा. और ये इजराइल ने कैप्चर किया था गोलन फ्रॉम सीरिया 1967 की वॉर के अंदर. न्यू शैकल यहाँ की क्या है, करेंसी है दोस्तों, और जेरूसलम यहाँ की क्या कैपिटल बताई जाती है. आगे देखते हैं, हाल ही में खबर में रहा बेपी कोलंबो यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी और डैश के बीच एक संयुक्त अंतरिक्ष मिशन है. तो बेपी कोलंबो दोस्तों क्या है, एक ज्वाइंट स्पेस मिशन है यूरोपियन स्पेस एजेंसी और साथ में जक्सा के द्वारा. जक्सा क्या है, जापान की एजेंसी है दोस्तों. ओके, ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपको ध्यान रखना है. और कई सारे टेस्ट है जो कि इसके द्वारा कंडक्ट करे गए हैं पिछले 5 महीनों के अंदर. और बेपी कोलंबो मिशन जो है वो सक्सेसफुली अर्थ के पास में कम्युनिकेशन सेटेलाइट जो है वो लॉन्च करी गई. आगे देखते हैं, कमीशनिंग इसको किया गया था रिसेंटली. निम्नलिखित में से किस बैंक को भारत फाइनेंसिंग इंक्लूजन के साथ विलय करने के लिए NCLT की मंजूरी मिली है. किसके साथ में जो है वो विलय किया जा रहा है भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन का, ये इंडसइंड बैंक जो है उसको किया जा रहा है, इंडसइंड बैंक को. तो ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है. नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने अप्रूवल दिया है मर्जर का इंडसइंड बैंक का और साथ में भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन का. लास्ट ईयर जो है इंडसइंड बैंक ने कोशिश करी थी और नो ऑब्जेक्शन जो है उसको मिल गया था RBI से, और साथ में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से भी, और इस बार जो है उसको कंप्लीट जो है सारी चीज़ें जो है वो मिल गई है. ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इंडसइंड बैंक की बात करें तो काफ़ी अच्छा बैंक माना जाता है, न्यू जनरेशन बैंक है जो कि कहते हैं इसको, मुंबई में हेडक्वार्टर है. रोमेश सोपती जी है जो कि अभी इसके हेड है, MD और CEO है. चेयरमैन है यहाँ पे सशा साई नाम से है, और SP हिंदुजा ग्रुप, हिंदुजा जो है वो इसके फाउंडर थे. 1994 के अंदर इस बैंक की शुरुआत जो है वो करी गई थी. आगे देखते हैं, किम जोंग उन और व्लादिमीर पुतिन डैश में पहला शिखर वार्ता करने वाले हैं. तो दोस्तों, किम की और ट्रंप की तो हो गई फेल,
अब किम और पुतिन जो है ये करने वाले हैं। और कहाँ पे हो रही है? यहाँ पे व्लादिवोस्तोक जो है वहाँ पे इसको करवाया जा रहा है। तो सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। दोनों यहाँ पे पहला सबमिट के तौर पे मीटिंग अटेंड करेंगे। अप्रैल 2019 में जनधन खातों में जमा डैश चीन को पार करने के लिए निर्धारित है। तो दो बोला गया है कि अप्रैल 2019 तक कितने अकाउंट क्रॉस हो जाएंगे दोस्तों, ये बोला गया है। और टोटल बैलेंस जो जनधन अकाउंट के अंदर रेज हो रहा है और वो 1,00,000 करोड़ रुपए जो है वो 3 अप्रैल को हो चुका है लेटेस्ट गवर्नमेंट डेटा के हिसाब से। तो 1,00,000 करोड़ जो है वो पहुंच चुका है और 35 करोड़, ठीक है, टोटल जनरल अकाउंट जो कितने 35 करोड़ है जो कि पार कर चुके हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1,00,000 करोड़। डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। आरबीआई ने डैश की सिफारिशों पर नाबार्ड और एनएचबी ने अपनी पहली हिस्सेदारी को विभाजित कर दिया है। बताइए दोस्तों, नाबार्ड और एनएचबी ने जो है अपने स्टेक को अलग किया है किसके रिकमेंडेशन के ऊपर? नरसिम्हन समिति की रिकमेंडेशन के ऊपर। तो ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। और अब क्या है, गवर्नमेंट जो 100% स्टेक होल्ड करती है इनके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर, सेकंड नरसिम्हन कमेटी जो बनाई गई और एंटायर स्टेक जो एनएचबी के और नाबार्ड के है वो यहाँ पे डिवेस्ट कर दिए गए हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने 2019 एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप में पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप हुई थी और भारत कौन से नंबर पर रहा है? 4th नंबर के ऊपर रहा है। नंबर वन के ऊपर कौन है? बहरीन नंबर वन के ऊपर है दोस्तों। तो भारत ने यहाँ पे 3 गोल्ड 7 सिल्वर 7 ब्रॉन्ज जीते और बहरीन ने 11 गोल्ड मेडल जीते हैं, तो वो नंबर वन के ऊपर है। भारत निम्नलिखित में से किस देश से दूध उत्पादकों के आयात पर प्रतिबंध को बढ़ा दिया है? दूध उत्पादन जो होते हैं उनके इम्पोर्ट को बैन कर दिया गया है और ये कौन से करें? चाइना के करें दोस्तों। तो सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। जैसे कि चॉकलेट होती है, मिल्क के प्रोडक्ट्स होते हैं, पहली बार 2008 के अंदर इम्पोज करे गए थे। उसके बाद में कई सारे मिल्क के अंदर जो है वो मेलामाइन मिलने की वजह से, जो कि काफ़ी हार्मफुल होते हैं, है ना, उसके वजह से इनको बैन कर दिया गया है। थोक क्रिप्टो क्यूरेसी ट्रेडिंग की पेशकश करने के लिए निम्नलिखित में से पहला भारतीय प्लेटफॉर्म कौन सा बन गया है? पहले थोक होलसेल क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग के बारे में आपको बताना है। तो कहाँ पे होगी दोस्तों? बाय यू कॉइन जो है ये फर्स्ट इंडियन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग जो है वो करी जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, लार्ज स्केल के ऊपर लो प्राइस के अंदर वो यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। चलते आगे की तरफ, क्वेश्चन डे की तरह। 2019 विश्व मलेरिया दिवस का विषय क्या है ये आपको बताना है। काफी महत्वपूर्ण सवाल है। और दोस्तों ये थे आज के आपके महत्वपूर्ण सवाल। उम्मीद कर पसंद आया होगा, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी तरीके से अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते चलें। 8 बजे वाली क्लास भी जरूर करिएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और काफी कुछ नया है जो कि हम जानेंगे उसके अंदर। साथ में दोस्तों अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे कि NTPC की, RRB के, तो वीडियो के नीचे लिंक है, वहां से अनअकैडमी डाउनलोड करके RRB का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। कुछ नहीं करना है आपको, अनअकैडमी डाउनलोड करनी है ऐप वीडियो के नीचे लिंक के द्वारा, RRB को सब्सक्रिप्शन करना है जो कि मात्र आपको 700-800 रुपये पर मंथ का होगा, जिसमें आपको NTPC का कंप्लीट कोर्स जो है वो कराया जा रहा है। कोर्स स्टार्ट हो चुका है तो जिन बच्चों ने नहीं किया है वो कर लीजिएगा, पुराने वीडियो पुराने PDF आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा टेस्ट सीरीज होगी, डाउट सेक्शन होंगे, PDF होगी, सब कुछ आपको इसके अंदर मिल जाएगी। कूपन कोड लगाइएगा वाईफाई स्टडी तो आपको 10% ऑफ भी मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।